नमस्कार, मेरा नाम एमिल्टी इब्राहिम है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी सस्टेनेबिलिटी के बारे में। हम जब भी सस्टेनेबिलिटी शब्द सुनते हैं, इमीडिएटली हमारे दिमाग में एनवायरनमेंट आता है। बट क्या आपको पता है सस्टेनेबिलिटी के एक्चुअली 3 पिलर्स होते हैं? इकोनॉमिक, सोशल एंड देन एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक पिलर का मतलब है कि हर इंसान, हर एडल्ट के पास पैसे कमाने का एक तरीका हो, जहाँ पे बेसिक अम्यूनिटीज हर इंसान के लिए अफोर्डेबल हो, भुखमरी ना हो, पॉवर्टी ना हो। सोशल पिलर का मतलब है कि हर ह्यूमन बीइंग वैल्यूएबल है, हर ह्यूमन बीइंग के पास वो राइट है कि वो एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टेबल लाइफ जिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फेयरनेस हो, जस्टिस हो, ये सब कॉमन हो। और सबसे ज़रूरी बात, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए इक्वल एक्सेस हो। और ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट पिलर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्लीन एयर, वाटर, लैंड सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही नहीं बट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी। किसी भी रीजन को सस्टेनेबल बनाने के लिए इन तीनों पिलर्स पे काम करना ज़रूरी है, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी आसान नहीं है। आज मैं एक ब्रांड के बारे में बात करना चाहती हूँ, होई। उत्तराखंड में यस को होई बोलते हैं एंड दिस इज अ ब्रांड दैट इज सेइंग अ बिग यस टू सस्टेनेबिलिटी। एज मच एज आई हैव अंडरस्टूड, होई इज ट्राइंग टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स इन द फूड इंडस्ट्री। पहला तो ये कि हमारे जैसे देश में, जहाँ पे जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर फार्मर है, किसान है, उन्हीं की जिंदगी आज इस देश में बहुत मुश्किल है। और दूसरा, हमारे आजकल के खाने में केमिकल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो गए हैं। नॉट ओनली आर दे हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज, बट जिस तरीके का इनका फूड प्रोडक्शन होता है, इट्स एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट एज वेल। नाउ होई इज एक्चुअली अ फार्म टू जार ब्रांड दैट इज सेलिंग पिकल्स, चटनीज, जैम्स एंड हनी। ये लोग उत्तराखंड के विमेन फार्मर्स के साथ काम करते हैं, हु वर्क ऑन ट्रेडिशनल हैंडमेड रेसिपीज यूजिंग ऑर्गेनिक फ्रेशली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स। दिस ब्रांड इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू मेनी विमेन फार्मर्स ऑफ उत्तराखंड। दे आर प्रोवाइडिंग देम सोशल मोबिलिटी, उनकी लाइव्स बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, इनके सारे प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल रेंज में हैं। So keeping all of this in mind, this brand is simultaneously working on social, economic as well as environment pillar. I am a school teacher और मुझे सुबह ऐसे time पर निकलना पड़ता है जब मेरे आसपास के लोग जागे भी नहीं होते, और सुबह का टिफिन पैकिंग इज सच अ ह्यूज स्ट्रगल फॉर मी। सबसे ईजी मुझे लगता है पराठा और अचार लेके जाना। पराठा जल्दी से बन जाता है, मैं टिफिन में डालती हूँ अचार और बस निकलती हूँ घर से। आजकल का मेरा फेवरेट अचार टू टेक इज होई का गार्लिक अचार। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। ये गार्लिक अचार सरसों के तेल में बना हुआ है एंड इट हैज़ नो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, नो एडिड कलर्स, नो एडिड फ्लेवर्स एंड इट इज़ हैंडमेड, नॉट मशीन मेड। ये मुझे इतना पसंद है आजकल। इनफैक्ट मैं जब भी ये लेके जाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा 2 स्पून डाल के लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे कलीग्स को भी ये बहुत पसंद है। इनका मिर्ची का अचार इज ऑल्सो अमेजिंगली फ्लेवरफुल, मस्त मसालेदार और स्पाइसी। सो हुएवर इंजॉय स्पाइस अलॉट, डेफिनेटली गिव देयर मिर्ची का अचार अ ट्राई। दिल्ली की सर्दी में मूली के पराठे, आलू के पराठों के साथ वो मिर्ची का अचार तो फैब्यूलस, अमेजिंग होगा। दिस टाइम अराउंड आई ऑल्सो ऑर्डर्ड देयर जैम एंड चटनी, तो मेरे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस थोड़े बढ़ गए हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई स्पीकिंग अबाउट देयर मैंगो चटनी विच इज़ रियली टेस्टी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, द मैंगो लुक्स सुपर फ्रेश एंड सो हेल्दी। ये दे एक्चुअली यूज गुड क्वालिटी इंग्रीडियंट्स, जो हार्वेस्ट करने के 24 घंटे में ही दे पुट इन टू अ रेसिपी, विच इज़ वाई दे लुक सो हेल्दी। इसका जो चिली और क्यूमिन का अलग से टेस्ट आता है ना विद द मैंगो टुगेदर, इट इज़ जस्ट सुपर अमेजिंग। ये पराठे के साथ अच्छा लगता है, ये ब्रेड के ऊपर अच्छा लगता है, आप दाल के साथ मिक्स कर सकते हो, और मैं तो इसको ऐसे ही खा जाती हूँ कई बार। इट्स मैं बोल रही हूँ और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इन लाइन इज़ द कीवी प्रिजर्व, द जैम।
I love how they call this a preserve, because actually, just have a look at this. These are actual kiwi fruit pieces. Again, this is organic. ये हमारे हिमालय से सोर्स करे हुए हैं. इनके सारे प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स 24 विद हार्वेस्ट करने के 24 घंटे में ही प्रिपेयर हो जाते हैं. It's not khatta, it's sweet, but you can actually taste the fruit in this. I can imagine how children will love this. This only has kiwi, sulfurless sugar and citric acid. इसमें लिखा है 3 से 4 freshly handpicked kiwi in the jar. I mean, just look at it. इतने से jar में 3 से 4 full kiwi हैं. I think it says a lot about this product. They also sent in a wildflower honey का sample. मेरे घर पे honey थी इसलिए मैंने honey order नहीं करी थी. But see, look at how pure. This is again they source it from Uttarakhand, again from a again fresh from the farm. And you can see how this is crystallizing because it really is so cold here in Delhi. But it's not. ये पूरी की पूरी जमी नहीं है. It shows that it's crystallized honey shows that it is actually pure. You can see how, and ये ऐसे ही इसको मुंह में डालते ही ये बिल्कुल melt हो जाता है. And you can still see it's runny. It's not solidified. And it's really super tasty. I really want to take a moment and appreciate how this brand is paying attention to the tiniest of the details. They actually use beeswax to seal their products instead of plastic. And this is completely compostable. आप निकाल के इसको compost में as is डाल सकते हो. This metal का ढक्कन has no plastic or paper in this. It is completely recyclable. This glass jar is completely recyclable. अगर मैं इस label को गंदा नहीं करती, even this can be recycled as paper. I love this brand for their purpose and their high quality products. Kudos to Hoi, wishing them the best. I hope you enjoyed this video. I'll see you in the next one. Bye.